जादू टोना आपके साथ एक बार आप शो की कहाँ से फंस गए जंगल में? बाहर ही करते हैं, आइए थोड़ा उधर ही क्वेश्चन भूल गया मैं क्या था क्वेश्चन। अच्छा चलिए मैं सबसे पहले ये बताइए जीत की एक बार फिर अनामिका के चंगुल में आप बुरी तरह से फंस गए हैं, क्या कहेंगे और अपनी बीवी से छुप छुपा के उनसे मिलने भी पहुंच जाते हैं आप? हाँ एक्चुअली प्यार बहुत करता है जीत अनामिका से, और अनामिका की सच्चाई अभी तक उसको पता नहीं है, तो कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए हैं कि जीत दो तरफ से मजबूर हो गया है, इधर बीवी के साथ झूठ भी नहीं बोलना चाहता, उधर अपने प्यार को लेके मजबूर है, तो कुछ ऐसा सिनारियो है। और अब इन्होंने अपना टोटका करना फिर से शुरू कर दिया जीत पे, ताकि वो उनके वश में रहे, आई थिंक वही टोटका। अच्छा उसके अलावा ये बताइए कि फिर से एक बार दो लड़कियों के फेर में पड़ गए हैं आप, यहाँ से भी वहाँ से भी, तो किस तरह से बैलेंस करके चल पा रहे हैं आप? और कितना लगती समझते हैं कि हमेशा दो लड़कियाँ होती हैं? देखिए आप शो देखिए, ये तीसरी लड़की है, ये मेरी तीसरी शादी है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है। एट अ टाइम दो लड़कियाँ तो मैं संभाल ही लेता हूँ, पहले राना और अनामिका को संभाल रहा था, अब छवि और अनामिका है, तो बट जोक्स अपार्ट काफ़ी टफ सिचुएशन होती है एक लड़के के लिए, किसी के लिए भी, अगर वो एक तरफ अपनी फैमिली उसमें फंस जाए और दूसरी तरफ दिल कुछ और बोले, तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, लेट्स सी कैसे होता है। अनामिका से पीछा छुड़ाने नहीं, अनामिका के बारे में भी पता ही नहीं, अभी तो ये बहुत प्यार करते हैं अनामिका से जीत, और उनके साथ रहना चाहते हैं, और इधर उन्होंने डिसाइड किया कि सही वक्त आने पे फैमिली को अनामिका के बारे में सच बता के छवि को धोखा ना दे, तो सच बताना भी बहुत ज़रूरी है, तो देखिए आगे क्या होता है। अच्छा इस बार क्या नया देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एक सर्कल जैसा हो गया कि अनामिका के चक्कर से आपको किसी ने बचाया और वापस फिर अनामिका के चक्कर में पड़ गए, फिर से वाइफ आके शायद बचाया, क्या है ये साइकिल? लेकिन आप देख लें, आप देखिए ना, वाइफ दूसरी है इस बार, अलग वाइफ, तो इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इस बार आई थिंक आगे चल के इट विल बी मोर ऑफ अ वन ऑन वन फाइट, इट विल बी अ चैलेंज बिटवीन अ वाइफ एंड अ लवर, तो इस बार थोड़ा सा ये अलग है, इस बार बोथ द पार्टीज विल ओपनली कम अप एंड फाइट, तो आई थिंक ऐसा ही आगे होने वाला है।